नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। छत्तीसगढ़ में ईडी ने 121 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। स्पेस एक्स की दूसरी उड़ान, पहली बार सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष में पहुंची। हज यात्रियों के लिए एयर इंडिया की विशेष उड़ान। ब्रजभूषण से मिली नार्को टेस्ट की चुनौती बजरंग ने स्वीकारी। कश्मीर में 37 साल बाद बड़ा आयोजन, 60 विदेशी प्रतिनिधि भी यहां पहुंचे। अदाणी के शेयर रॉकेट बने, 2 दिन में 24% तक उछाल। समीर वानखेड़े को जान से मारने की धमकी। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो की रैंकिंग में नंबर 1। नीतीश राहुल की मुलाकात के बाद साझी बैठक के लिए कांग्रेस सहमत। इंदौर में चलती आई बस में आग, शुक्र है सभी यात्री सुरक्षित। फिलीपींस में ऐतिहासिक डाकघर जलकर राख हुआ, 18 दिन बाद फिर हिंसा, गुलेल से हमला। इम्फाल में दुकानदारों में झगड़े के बाद दंगाइयों ने घर फूके कर्फ्यू। चीन के शहरों में 1900 लाख करोड़ का कर्ज, होंगकांग शहर में इमरजेंसी। जमा पार्क कोठी के लिए इमरान को 14 लाख का लग्जरी टैक्स नोटिस। नई संसद उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराए जाने पर विवाद, चुनावी फायदे के लिए बनाए जाते हैं दलित आदिवासी राष्ट्रपति, खड़गे ने कहा। अमेरिका के कैलिफोर्निया का भूतहा शहर ईगल माउंटेन 186 करोड़ रुपए में बिका। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।